तो अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आइडेंटिटीज पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट दे रखा है, जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है -2 -1/3 iota का होल क्यूब, और हमें इस एक्सप्रेशन को a+iota b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अब आप इस वीडियो को यही 3 मिनट्स के लिए पॉज कीजिए एंड इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम गिवन एक्सप्रेशन में से -1 को इस ब्रैकेट के बाहर लेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा -1 का होल क्यूब, क्योंकि ब्रैकेट की पावर है 3। अब आगे हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वह मिलेगा -22/3 -107/27 iota। अब हम देख सकते हैं कि हमने गिवन एक्सप्रेशन को a+iota b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, जहां a की वैल्यू -22/3 जो कि रियल पार्ट होगा एंड b की वैल्यू -107/27 होगी जो कि इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है उसकी समरी ये है। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के एलजेब्रा के बारे में देखा, उसके बाद हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी, उसके बाद एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा एंड उसके बाद सेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा, और इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। अब आपको ये रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।